हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदना व्रज जन रंजना जमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरिबोल 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 निताय गौर ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि गौर। हरे कृष्णा। आप सभी का आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में स्वागत है। हम अजामिल उपाख्यान की चर्चा कर रहे हैं, षष्ठम स्कंद, छठा स्कंद श्रीमद् भागवतम का, जिसका शीर्षक है मनुष्य के लिए विहित कार्य, और इसका प्रथम अध्याय है अजामिल के जीवन का इतिहास। आज हम उसका 30वां श्लोक, श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद का पहला अध्याय 30वां श्लोक, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक इस प्रकार से है। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तृनाम महाराज पार्षदा सहसापतन। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तृनाम महाराज पार्षदा सहसापतन। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तृनाम महाराज पार्षदाः सहसापतन। अर्थ और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। निशम्य सुनकर, म्रियमाणस्य मरणासन्न व्यक्ति के, मुखतः मुख से, हरि कीर्तनम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, भर्तु नाम अपने स्वामी का पवित्र नाम, महाराज हे राजा, पार्षदा विष्णु के दूत, सहसा तुरंत, आपतन आ गए। अनुवाद, हे राजा, जब विष्णु दूतों ने मरणासन्न अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने पूर्ण चिंता में निरीह भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि हरि कीर्तनम निशम्यापतन कथम भूतस्य भर्तृनाम ब्रुवतः। विष्णु के दूत इसलिए आए क्योंकि अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि वह क्यों उच्चारण कर रहा है। नारायण का नाम उच्चारण करते समय अजामिल वास्तव में अपने पुत्र के विषय में सोच रहा था, किंतु विष्णुदूतों ने अजामिल को भगवान नाम का कीर्तन करते सुना, तो वे तुरंत अजामिल की रक्षा हेतु आ गए। हरि कीर्तन वस्तुतः भगवान के नाम, रूप, लीला तथा गुणों के गान के लिए होता है, किंतु अजामिल ने भगवान के रूप, गुण या साज सामग्री का गुणगान नहीं किया था। उसने तो पवित्र नाम का उच्चारण मात्र किया था। फिर भी वह उच्चारण उसके सारे पाप कर्मों को धो डालने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही विष्णुदूतों ने अपने स्वामी के नाम का कीर्तन होते सुना, वे झट से आ गए। इस संदर्भ में श्रील विजय ध्वज तीर्थ की टिप्पणी है। अनेन पुत्र स्नेहम अंतरेण प्राचीना दृष्ट बलाद उद्भूतया भक्त्या भगवन नाम संकीर्तन कृतम इति ज्ञायते। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन किया क्योंकि वह अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक आसक्त था। फिर भी अपने विगत सौभाग्य के कारण, क्योंकि उसने नारायण की भक्ति की थी, उसने पूर्ण भक्ति में तथा निरपराध भाव से पवित्र नाम का कीर्तन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तशक्तिकं नमो महावदन्याय कृष्णदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हम 6वें स्कंध के बारे में पिछले कुछ बात होती है। पहला अध्याय अजामिल के जीवन का इतिहास, और ये पहले 3 अध्यायों में अजामिल के बारे में कथा सुनाई है शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को। और इसमें ये कथा सुनाने का प्रयोजन है कि परीक्षित महाराज जो बहुत ही सहिष्णु और दयालु वैष्णव भक्त है भगवान के, सभी बद्ध जीवों का उद्धार पाप योनियों से उद्धार कैसे होगा, तो शुकदेव गोस्वामी जी सबसे प्रभावित हैं। भगवान की भक्ति करके व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन की जो है भगवत धाम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है हर जीवात्मा के हृदय में, उसका जागृति से संभव है, जो कर्म कांड और ज्ञान कांड की विधियों से बहुत और इसके बारे में जब कोई दृष्टांत दिया जाता है तो सबसे जो अगर किसी चीज की महिमा बतानी है तो सबसे नीच जो व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है उसके ऊपर या जो भक्तियोग का प्रभाव है उससे क्या फल प्राप्त होता है, उससे हमें समझता है कि भक्तियोग की महिमा क्या है। जैसे सबसे कोई कठिन बीमारी है और उसका इलाज अगर बहुत आसानी से कोई एक विशेष दवाई कर दे तो हमें पता चलता है कि यह दवाई बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि बीमारी तो बहुत ऐसा जो उपाय है, मतलब बीमारी का जो बहुत बुरा असर हुआ है, परंतु ये दवाई तो एक इतनी प्रभावी है कि एक गोली खाने मात्र से व्यक्ति का बीमारी खत्म हो गया। इससे हमें पता चलता है कि ये दवाई बहुत ही प्रभावशाली है। और शुकदेव गोस्वामी दृष्टांत सुनाते हैं परीक्षित महाराज जी को पुरातन इतिहास से अजामिल की कथा के द्वारा। पिछले सप्ताह में अजामिल में इनका जन्म हुआ था और एक परिवार से थे, उनके सभी संस्कार यज्ञ याग करते थे, सभी धार्मिक कृत्यों का पालन करते थे। उन्होंने एक नीच स्त्री का दर्शन कर लिया एक शूद्र के साथ में, और उसके कारण जो अभिलाषा जागृत हुई अजामिल की, वो उस स्त्री को घर पे लेकर आए और उसके साथ उन्होंने अपना संसार सजाया, अपनी जो पत्नी थी उसका त्याग कर दिया और इस वेश्या के साथ संसार किया, और उसके लिए अनेक पाप कृत्य किए, लोगों को लूटा, उनका खून किया, अनेक चोरी डकैतियाँ की, बहुत सारे पाप किए और उस विष्या से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। और यह प्रसंग है, आज बता रहे हैं कि अजामिल ने जब पूरा 80-88 साल का अजामिल है तो सबसे छोटा पुत्र है पुत्र, और जब वो अभी अपने पर है तभी अजामिल देखते हैं यमदूत प्रकट हो गए उनके सामने। और यमदूत जब प्रकट हो गए तो डर के मारे अजामिल अपना जो बहुत ही प्रिय पुत्र है जो बगल में ही खेल रहा था उसको पुकारते हैं मदद के लिए, नारायण नारायण इधर आ जाओ। और भगवान नारायण लेते हैं और यहाँ पर बताया गया है, इस श्लोक के अर्थ में बताया गया है कि अजामिल ने जो भगवान नारायण का नाम लिया था वो बहुत ही निरपराध भाव से लिया था और बहुत ही असहाय रूप में लिया था। उन्होंने नारायण, भगवान नारायण को नहीं पुकारा था, अपने बच्चे को पुकारा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत कार्य हो गया कि वहां पर नारायण का नाम सुनकर विष्णुदूत जो भगवान नारायण के पार्षद माने जाते हैं, उनके सेवक है, वो तुरंत प्रकट हो गए। जैसे हम किसी पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि यहाँ पर आग लगी है, यहाँ पर चोरी हो रही है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, तो पुलिस का जो पेट्रोल वैन होता है जो घूम रहा है उस क्षेत्र में तुरंत 2 मिनट में पहुंचता है या फिर पहुंचना चाहिए। कभी कभी नहीं पहुंचता है, लेकिन पहुंचना चाहिए उस जगह पर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान विष्णु के दूत ऐसे ही पेट्रोलिंग करते हैं इस जगत में और वो देखते रहते हैं कि कौन भगवान का नाम ले रहा है। अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसकी सहायता के लिए तुरंत वो प्रकट हो जाते हैं। और वैसा ही हुआ, भगवान विष्णु का नाम नारायण का दूत वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। और यहाँ पर बताया है कि भगवान विष्णु के दूत तो प्रकट हुए और इस श्लोक में शब्द का प्रयोग है हरि कीर्तनम। हरि कीर्तनम मतलब भगवान का नाम कीर्तन ही नहीं होता है, उनके नाम के साथ में उनके रूप लीला गुणों का भी कीर्तन होता है, तभी उसको हरि कीर्तन कहते हैं। खाली राम या कृष्ण या नारायण कहने से हरि कीर्तन नहीं होता है पूरा। फिर भी खाली नाम सुन लिया नारायण का तो विष्णुदूत उधर प्रकट हो गए। और इस तात्पर्य है कि ये जो नाम उच्चारण है, हालांकि भगवान नारायण को संबोधन करके नहीं था, फिर भी नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है इस तात्पर्य में कि अजामिल ने जो भगवान नारायण का नाम लिया पुत्र को संबोधन करके, ये उसके विगत सौभाग्य के कारण था। और उसका सौभाग्य था कि उसने नारायण भक्ति की थी, अपने युवा अवस्था में उसने नारायण की भक्ति की थी, लेकिन वो थोड़ा अपने रास्ते से चूक गया था, थोड़ा भ्रष्ट हो गया था। और कुछ समय के लिए उसकी भक्ति की जो सक्रिय अवस्था है वो क्रियाशील नहीं थी जब वो इस विषय का संग कर रहा था। फिर भी जैसा कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को, दूसरे अध्याय में, नेहा भिक्रमणा नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो अजामिल ने जो कुछ थोड़ा आध्यात्म का जीवन बिताया था, अपने युवा अवस्था में या विगत जन्मों में भी बिताया होगा, उसके कारण उसको जो सुकृति प्राप्त थी कि वो भगवान नारायण का नाम अपने बच्चों को ही संबोधन करके क्यों न हो, भगवान नारायण का नाम वो ले सका। जैसा एक भक्त बताते हैं कि वो बोलते हैं कि हमने एक बच्चे से पूछा कॉलेज में कि बताओ तुम्हारा आदर्श कौन है, श्रीमद् भागवतम में से आदर्श कौन है? तो ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर है, कौन है बताओ? तो बोलता है मेरा तो आदर्श अजामिल है, क्योंकि अजामिल ने जिंदगी भर अपना मौज मजा भी किया और अंत में उसको भगवत धाम का भी प्राप्ति हो गया। तो यहाँ पर पता है जिससे हम कहते हैं चांस से या फ्लूक से ये नहीं बन गया था, भगवत धाम प्राप्ति नहीं हुआ था। अजामिल ने भी अपने युवावस्था में भक्ति का पालन किया था, लेकिन जो माया शक्ति है, प्रबल माया शक्ति, उससे वो थोड़ा भ्रमित हो गया, इसलिए पापों में, बहुत ही पापों में जीवन उसने बिताया। फिर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान बहुत दयालु है, इसलिए उन्होंने परमात्मा रूप में अजामिल को एक बुद्धि प्रदान की, जिससे वो अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण, हालांकि वो जप नहीं करे माला पर और मंदिर में नहीं जाए, शुद्ध आचरण नहीं करे, धार्मिक जीवन नहीं जिए, फिर भी उसने वह भगवान की प्रेरणा से रखा गया था, क्योंकि कृष्ण सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता हूँ और मैं उनको स्मृति, ज्ञान और विस्मृति प्रदान करता हूँ, जिसके कारण वो अपनी अभिलाषाएं पूर्ण कर सकते हैं और अंत में मैं उनका शुभ आकांक्षी हूँ, हिता आकांक्षी हूँ, इसलिए मैं उनके उद्धार का भी प्रबंध करता हूँ, अगर अपनी ओर से इच्छा दिखाते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अजामिल का उद्धार नारायण का नाम, मृत्यु के समय नारायण का नाम लेने से हो गया। कोई कह सकता है कि भाई ये तो बड़ी ही अचंभे की बात है कि जीवन भर आप बड़ा पाप कर्म करिए और अंत में एक बार नारायण का नाम ले लीजिए और सब पापों से मुक्त हो जाइए और मतलब है और आध्यात्म की क्या जरूरत है, अंत में ही ऐसा प्रबंध करके रखिए कि नारायण का नाम, नारायण का चित्र रखिए, भगवान का चित्र रखिए, नारायण नाम का कीर्तन चला दीजिए मृत्यु के समय और गंगा जल डालिए मुंह में, तुलसी डालिए, इससे जरूर फायदा होता है। और ये शास्त्र, परंतु कृष्ण बताते हैं गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावी, जो जो उसका मानसिक आंतरिक भाव है उसी के अनुसार उसको अगला उसका निर्धारित होता है। तो भगवान का चित्र भी सामने रहे, लेकिन अगर चित्त में भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं है, मैं दूसरी किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, तो भगवान कृष्ण का प्राप्ति नहीं होता है उससे। तो इसलिए कहते हैं कि ये परीक्षा है, सॉरी, जीवन एक परीक्षा की तैयारी है और जो मृत्यु होता है, मृत्यु का समय, ये परीक्षा की, तो जो तैयारी की है वो परीक्षा की घड़ी के समय मदद करती ही है। जैसा व्यक्ति अगर कोई पढ़ा है तो उसने साल भर कुछ पढ़ाई किया नहीं तो भी वो पास हो जाए या अच्छे नंबर लाए ये बहुत ही मतलब विरला प्रसंग है। अगर उसने मेहनत किया है तो उसे थोड़ा होता है और दूसरों की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन परंतु हम अगर ये सोचे कि भाई समय हमें भगवान हमें वैसा एक बुद्धि दे देंगे क्योंकि हम तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, तो परीक्षा के समय वैसा होगा ये जरूरी नहीं है, ये भगवान की इच्छा पर निर्धारित है। लेकिन परंतु अगर हम अपने और अपना इच्छा भगवान को दिखाते हैं कि हमें आपके धाम की प्राप्ति में, आपकी सेवा की प्राप्ति में, आपके भक्तों की आशा है और वैसा जीवन हम अगर जीते हैं उस विचारधारा के अनुसार हम प्रयत्न करते रहते हैं तो हमें भगवान की कृपा भी निश्चित ही प्राप्त होती है। जैसा कि हमने यह नहीं देखा कि अजामिल ने एक बहुत ही पापमय जीवन जिया है, भगवान ने देखा कि कभी तो इसने मेरी भक्ति की है और अभी मेरा कर्तव्य है मेरे भक्त की रक्षा करना। और कृष्ण भी बताते हैं गीता में कि ऐसा ही कोई नाम स्मरण नहीं कर सकता है मृत्यु चिंतयन्तो माम, और ऐसा जो निरंतर नाम स्मरण करता है उसके लिए मैं जो कमी है उसकी वो पूरा करता हूं। और नामस्मरण करने की पूरा है जैसा बताते हैं येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम, पाप कर्म पूरे नष्ट हो गए हैं बहुत सारे पुण्य करके, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वही इस भौतिक संसार के द्वंद्वों से मुक्त होकर मेरा भजन कर सकते हैं, दृढ़ होकर मेरा भजन कर सकते हैं। तो भगवान का भजन भी करना है तो अगर पाप कर्म पूर्ण क्षय नहीं हुआ है तो व्यक्ति निरंतर भजन नहीं कर सकता है भगवान का। जैसे हम कहते हैं अरे आज तो बहुत ठंडी है, आज बहुत ठंड के लिए, तो ये जो भौतिक संसार का द्वंद्व है इससे जो व्यक्ति मोहित होता है, आज बहुत गर्मी है, आज तो उपवास है, तो आज तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, आज बहुत ही मानसिक क्लेश है, किसी का कोई बहुत ही निकट व्यक्ति बीमार है, किसी का मृत्यु हो गया घर में, तो आज जप करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे जो कारण हम देते हैं वो अपने विगत पाप अनुरूप हमारी जो इच्छा कम होती है उसके कारण होता है, वो अपने पाप वृत्ति के कारण प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ने भगवान नारायण का जो नाम लिया वो बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने अपराध भाव से लिया था ये नाम और बहुत ही आर्त इच्छा से लिया था। अभी हम पढ़ते हैं कि निरअपराध भाव से अपराध रहित नाम लेना चाहिए तभी है। तो हम श्रीमद् पद्म पुराण से 10 नाम अपराध बताए गए हैं और ये नाम अपराध से अगर बचकर व्यक्ति हरि नाम कीर्तन करता है, हरि नाम जप करता है, तो उसे जो इच्छित फल है वो बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं कि हरि नाम तो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शक्तिमान है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम बहुधा तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, भगवान नाम में इतनी सारी शक्ति है, उनके इतने नाम है, भगवान के अलग अलग नाम है और उसका कोई नियम भी नहीं है कि कब कौन सा नाम लेना चाहिए। उनका नाम आप कभी भी ले सकते हैं और इतनी शक्ति है कि सगळे सब एतादृशी कृपा, इतनी कृपा है भगवान की, फिर भी चैतन्य महाप्रभु विनम्र भाव से कहते वो नाम रुचि नहीं है। तो मिलती है तो नाम अपराध क्यों है भगवान के नाम के लिए? हम देखते हैं जैसा एक अगर सर्जन है, शल्य चिकित्सक है, शल्य क्रिया जब करता है तो वो हालांकि बड़ा ही निष्णात शल्य चिकित्सक है, बहुत सारे ऑपरेशंस उसने किए हैं जीवन में, लेकिन उसको भी पड़ता है। जैसे वो सीधा पेशेंट को सुलाकर छुरी लेकर, कोई भी किचन की छुरी लेकर ऐसे ही लोगों के सामने पेट फाड़कर ऑपरेशन नहीं कर सकता है। उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए जो बहुत ही स्टराइल मतलब वहां पर जंतुओं का प्रादुर्भाव नहीं होता है, तो स्टेरिलाइज किया जाता है पहले ऑपरेशन थिएटर को। बेड लगता है, उसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर का लिए लैंप लगता है, ऑपरेशन का लैंप लगता है, अच्छा लाइट होना चाहिए उधर, जो सब इंस्ट्रूमेंट्स है ऑपरेशन करने के लिए वो सब स्टराइल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और विशेष इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। ऐसा नहीं किचन की छुरी लाकर ऑपरेशन नहीं करते उधर, एनेस्थीजिया देना पड़ता है पेशेंट को तभी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये एक रूटीन जो यह एक मतलब निर्धारित कार्यक्रम है शस्त्रक्रिया के लिए। वैसे ही अगर भगवान नाम का पूर्ण लाभ प्राप्त करना है व्यक्ति को तो 10 नाम अपराध बताए गए हैं, और ये नाम अपराधों से जब व्यक्ति बचकर हरि नाम का जाप करता है तो उससे पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। लेकिन परंतु श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कलयुग में ये 10 नाम का पालन करना जीवात्मा के लिए बहुत मुश्किल है। 10 नाम अपराधों से भी दूर रहना बड़ा ही मुश्किल है शुरुआत की अवस्था में। जब व्यक्ति नाम जप करने लगता है तो पहले ही हर जीव भगवान से एक विद्रोह करके इस जगत में आया है, खुद इस प्रकृति का स्वामी बनने के लिए, और उसके ऊपर से अलग अलग विचार धारणाएं होती है उसके मन में, भोग करने की वृत्तियां होती है, कहीं नाम अपराध हो ही जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब आए इस कलयुग में तो उन्होंने ये सब अपराधों को दूर भगा दिया, अपनी कृपा से इन अपराधों को उन्होंने दूर भगा दिया। और कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का चरित्र उन्होंने लिखा है, उसमें कहते हैं श्री कृष्ण कृपा करह विचार विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। बोलते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृपा का अगर आप विचार करेंगे तो आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपके आश्चर्य की सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण की कृपा प्रदान की, और ऐसे ऐसे शुष्क ज्ञानी लोग हैं उनको भगवान की भक्ति प्रेम में डुबा दिया। बहुत ही पापी नीच नराधम लोग हैं जगाई मधाई जैसे, उनको उन्होंने एक बहुत ही सभ्य वैष्णव बनाया। ऐसे अनेक उदाहरण है, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रताप रुद्र महाराज जो एक राजा थे, उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो चैतन्य महाप्रभु के नाम उच्चारण से, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नाम उच्चारण से जो सभी नाम अपराध है वो भी दूर भाग जाते हैं। उनके नाम उच्चारण में कोई भी अपराध नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा से करनी होती है, और जब अंत में चित्त शुद्धि होती है तब व्यक्ति राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए उसे भगवान की कृपा से राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो सकती है। और नरोत्तम दास ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य हुए जिनका अभी तिरोभाव तिथि मनाया गया 2 दिन पहले। वो लिखते हैं, एक भजन में लिखते हैं कि अगर भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाएं अगर समझनी है, उनके नाम रूप गुण सभी उनके परिकर लीलाओं का अगर सही रूप से समझ चाहिए, अगर भगवान नाम के कीर्तन से हमारे हृदय में बहुत ही आनंद उमड़ना चाहिए, रोमांच खड़े होने चाहिए शरीर पर, अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होने चाहिए शरीर पर, तो उसके लिए एक विधि बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। वो बोलते हैं गौरांग बोलिते हबे। गौरांग महाप्रभु का जब हम नाम लेते हैं, पुलक शरीर वो कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से कि कब मैं गौरांग महाप्रभु का नाम लूंगा और मेरे अंग के रोमांच खड़े हो जाएंगे। हरि हरि बोलते, जब कब मैं हरि हरि बोलूंगा और मेरे आंखों से अश्रु धारा बहने लगेंगी। और निताई चंद्र नित्यानंद प्रभु, जिनको निताई चंद्र कहा जाता है, आर कवि निताई चांदेर करुणा हईवे, उनकी करुणा मुझ पर कब होगी। संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हबे, तभी मुझे सब संसार के वासना तुच्छ हो जाएंगी। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कब मेरा हृदय विषय वासनाओं से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। और कबे हम हेरिवो श्री वृंदावन, तब मैं वृंदावन धाम का वास्तविक रूप से कर पाऊंगा। वृंदावन का दर्शन करना अपने चर्म चक्षुओं से, हम चर्म चक्षुओं से वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते हैं। खाली वृंदावन में गए और उधर एक परिक्रमा लगाया और कुछ मंदिर देख के आ गए, इसे वृंदावन का दर्शन नहीं कहा गया है। वृंदावन का दर्शन होता है अपने आध्यात्मिक चक्षुओं से। वो जब जागृत होते हैं, जब हमारे हृदय से विषय वासनाओं का जो पर्दा है वो हट जाता है। और ये विषय वासनाओं का पर्दा हटने के लिए भी विधि बताते हैं। बोलते हैं रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति कबे हाम बुझावो से युगल प्रीति। तो रूप रघुनाथ जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी है, उनके अनुयायी प्रमुख पार्षद है, उनकी कृपा जब मुझे प्राप्त होगी तब मैं राधा कृष्ण की युगल प्रीति, उनका जो दिव्य आध्यात्मिक संबंध है वो समझ सकूंगा। और इसी तरह से वो बोलते हैं कि रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी जो आस है वो हमेशा रूप रघुनाथ षड गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी है, उनके चरणों में हमेशा रहे, तब मैं ये जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर सकूंगा और उनकी लीलाओं में मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा। तो ये सही जो उपलब्धि है भगवान नाम के उच्चारण से और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति योग के आचरण से जो सही उपलब्धि प्राप्त होती है व्यक्ति को, वो है भगवान श्री कृष्ण की अहितु की भक्ति, और कृष्ण प्रेम जागृत होता है व्यक्ति के हृदय में। और इसके संदर्भ में हम एक बहुत ही विशेष कथा का आज संक्षेप में वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे कि हरिनाम उच्चारण से जो उपलब्धि प्राप्त है वो अपना पाप क्षय या पाप निर्मूलन नहीं है, वह है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्रेम प्राप्त होना। जीव व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति अनन्य प्रेम जागृत होता है और इस प्रेम के आधार पर उसे बाकी सब जो उपलब्धियां है इस जगत की, मुक्ति और जो पाप क्षय है, इस भौतिक संसार से मुक्ति है, वैकुंठ प्राप्ति है, ये सभी उसे अपने आप भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। पर अगर वह प्राप्त नहीं भी हुआ तो भी एक भक्त के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इसका वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। श्रीला हरिदास ठाकुर, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य का उपाधि दिया था और नाम आचार्य कहा जाता है उनको क्योंकि 3 लक्ष्य नामों का, भगवान नामों का उच्चारण हर रोज किया करते थे। और कोई भी परिस्थिति हो अपने जीवन में भगवान के नाम का उच्चारण, नाम जप जो उनका निर्धार था, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, उससे कभी वो चूके नहीं। और हरिदास ठाकुर जब एक बार निवास कर रहे थे गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार इनके घर के पास में, तो गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहलाए जाते हैं। वो बड़े ही प्रसिद्ध और रईस जमींदार थे और उनके जो पुरोहित है, उनके जो गुरु कह सकते हैं हम, वो बलराम आचार्य जी थे। और बलराम आचार्य ये हरिदास ठाकुर जी को बहुत ही विनम्रता से विनती करते हैं कि आप हमारे गांव में रहिए और हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए, आपका संग का अवसर दीजिए। और उसके बाद जब एक बार क्या होता है, हरिदास ठाकुर को एक सभा में निमंत्रित किया जाता है और इस सभा में गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार जो है वो हमेशा चर्चा किया करते थे, शास्त्रार्थ किया करते थे। वो भी बड़े ही महान पंडित थे, महान भक्त थे भगवान के। तो हरिदास ठाकुर वहां पर जाते थे और उनको हरिनाम की महिमा के बारे में हमेशा सुनाया करते थे। और जब हरिदास ठाकुर उनके सभा में गए तो दोनों भाई गोवर्धन हरिदास ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हो गए, उनका खड़े रहकर सम्मान किया और उनको एक बड़ा ही प्रतिष्ठित आसन दिया। और बहुत सारे पंडित उस सभा में उपस्थित है, ब्राह्मण है, बहुत सारे सज्जन है और ये दोनों भाई भी महापंडित है, हिरण्य और गोवर्धन। और हरिदास ठाकुर के गुण सबने ऐसा मुंह भर के उनका गुणगान किया हरिदास ठाकुर जी का, मानो सबको 5-5 मुंह है, 5-5 मुख है एक आदमी को, ऐसा गुणगान हुआ हरिदास ठाकुर का। और सभी ये गुणगान देखकर हिरण्य गोवर्धन मजुमदार बहुत ही खुश हो गए। और हरिदास ठाकुर तो 3 लक्ष्य नाम जप करते थे हर रोज, तो उनको सब पंडितगण कहते हैं कि आप हमें नाम महिमा के बारे में सुनाइए। तो कोई बोलता है कि फिर शास्त्रार्थ चालू हो गया, चर्चा चालू हो गई उनकी। कोई बोलता है कि नाम उच्चारण से सब पाप क्षय हो जाता है, कोई बोलता है कि नाम उच्चारण से जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि नाम उच्चारण का तो ये 2 फल नहीं है, नाम उच्चारण से कृष्ण पद प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण चरणों में जीवात्मा को प्रेम प्राप्त होता है। और हरिदास ठाकुर जी एक श्लोक उद्धृत करते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से। वो कहते हैं एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग है उसे बहुत ही जो वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत है, वो भगवान के नाम उच्चारण में इतना आनंद प्राप्त करता है और ये भगवान तो बहुत ही प्रिय है उसको, इसलिए नाम उच्चारण में आनंद आता है। जबरदस्ती से नाम माला नहीं हिलाता है, खाली बहुत आनंद आता है उसको, इसलिए इतना वो उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है कृष्ण का नाम, जोर जोर से हरि का नाम लेता है और कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी बहुत ही विचलित हो जाता है और एक पागल आदमी की तरह वो भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है। बाहर के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में देखता नहीं है वो। फिर बोलते हैं जो मुक्ति है, पाप क्षय है, पापनाश है, ये तो अनुषांगिक फल है, मतलब मतलब उसके साथ में आ जाता है। भगवान के नाम जब करेंगे तो ये दो चीजें अपने आप आ जाती है साथ में। और उसके लिए एक दृष्टांत बताते हैं हरिदास ठाकुर, सूर्य का दृष्टांत बताते हैं, शास्त्र से बताते हैं। वो बोलते हैं एक श्लोक बताते हैं, अम्ह समहरत अखिलम सकृत उदयात एव सकल लोकस्य तरणीर इव तिमिर जलधिम जयति जगन मंगलम हरेर नाम। ये श्लोक बताते हैं रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली नाम का एक ग्रंथ रचना की है, उसमें से हरिनाम महिमा के बारे में श्लोक बताते हैं रूप हरिदास ठाकुर जी। वो बोलते हैं कि भगवान का नाम जो है वो जगत, पूरे जगत का मंगल करने वाला है। और क्यों होता है मंगल? इससे जिस प्रकार से सूर्योदय होता है तो जो अंधकार का तिमिर का जो सागर है वो दूर भाग जाता है। तरणीर इव तिमिर जलधिम, उसी प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है और अंधकार दूर भाग जाता है, उसी प्रकार से भगवान नाम का खाली उच्चारण मात्र से अगर अपराध रहित नाम उच्चारण होता है तो सभी पाप एक बार अपराध रहित नाम उच्चारण से दूर भाग जाते हैं। तो ऐसे मंगलमय जो जगन मंगलमय हरि नाम है उसका जय जयकार हो। और यह जो श्लोक है ये उद्धृत करने के बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं, हे पंडित जनों, आप इस श्लोक का हमें अर्थ बताइए। हरिदास ठाकुर बोलते सब पंडितगण कहते हैं हरिदास ठाकुर जी से कि आप हमें इसका अर्थ बताइए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास कहे न जैसे सूर्य उदय, जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, उदयना हईते आरंभे तमेर हय क्षय, सूर्योदय का आरंभ भी नहीं हुआ है और अंधकार दूर हो जाता है। जो चोर है, प्रेत है, भूत पिशाच राक्षस है, सुबह होने के पहले ही भाग जाते हैं और सब प्रकट हो जाता है और सब लोग अपना धार्मिक कृत्य और अपनी नियत क्रियाएं करने लगते हैं। उसी प्रकार से नामोदय आरंभे, नाम उदय जब होता है तो पाप आदि सब क्षय हो जाते हैं, पाप फल पूरा नष्ट हो जाता है। और जब सूर्योदय होता है, कृष्ण नाम के सूर्य का उदय होता है, तो कृष्ण पदे प्रेमोदय होता है, कृष्ण पद के लिए व्यक्ति के हृदय में प्रेमोदय होता है। और ये जो मुक्ति की बात है, मुक्ति तो एक तुच्छ फल है नामाभास का। नाम आभास जब होता है, नाम की झलक ही प्राप्त होती है व्यक्ति को, तभी मुक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। जब अपराध शून्य नाम का झलक प्राप्त होता है तो मुक्ति मिल जाती है। और तभी वो इस कथा का भी दृष्टांत देते हैं अजामिल की कथा का। वो बोलते हैं कि अजामिल ने तो भगवान का नाम मृत्यु के समय लिया था और अपने बच्चे को बुलाया था, नारायण नाम के बच्चे को, फिर भी उसको वैकुंठ आत्मिक जगत की प्राप्ति हो गई। फिर जो व्यक्ति बहुत ही आदर से श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का नियमित रूप से उच्चारण करता है उसके बारे में क्या कहना। और कहते हैं ये जो मुक्ति है ये भक्तगण स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण देते भी है तो जो शुद्ध भक्त है ये मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। और एक श्लोक बताते हैं, सालोक्य सार्ष्टि सारूप्य सामीपैकत्वम अपि उता दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो रही है तो ये चारों मुक्ति भी भक्तगण स्वीकार नहीं प्राप्त करते हैं। तो इस कथा में बहुत ही प्रभावी तरीके से हरिदास ठाकुर ने शास्त्रों के उद्धरण से भगवान श्री कृष्ण के नाम महिमा उच्चारण का महात्म्य बताया। परंतु वहां पर एक जो व्यक्ति था जिसका नाम गोपाल चक्रवर्ती था, और गोपाल चक्रवर्ती ये वहां का टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स नवाब के और से टैक्स कलेक्ट करके नवाब की तिजोरी में जमा करता था। और ये नवाब के लिए टैक्स कलेक्ट करता था। 12 लाख सुवर्ण मुद्राएं वो नवाब की तिजोरी में डालता था टैक्स के रूप में। बहुत ही सुंदर था, बहुत पंडित था, खूब नव तरुण था वो। तो उसको उसने जब सुना गोपाल चक्रवर्ती ने कि केवल नाम आभास से मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसको ये हजम नहीं हुआ बात। वो बोलता है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बहुत क्रोधित हो गया वो और बोलता है ये तो भावुक आदमी है हरिदास ठाकुर जी, ये तो भावुक आदमी है। भावुकेर सिद्धांत सुनो पंडितेर गण, ये तो भावुक आदमी का सिद्धांत है, सुनिए पंडित लोग क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी। कोटि जन्म ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करता है व्यक्ति, तभी उसको मुक्ति नहीं मिलती है। कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कोटि जन्म प्राप्त करने के बाद भी जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये तो नामाभास से ही मुक्ति प्राप्त होती कह रहा है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, इसमें क्या संशय है बताओ, शास्त्र कहते हैं कि नामाभास से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति सुख के आगे मुक्ति बहुत ही तुच्छ चीज है, इसीलिए भक्तगण मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। वो बोलते हैं, भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ है, अतएव भक्तगण मुक्ति नहीं लय। और एक श्लोक बताते हैं हरिदास ठाकुर, वो कहते हैं, त्वत् साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितोसि में सुखानी गोष्पदायन्ते ब्रह्माणी अपि जगत गुरु। जो ब्रह्म साक्षात्कार है, मुक्ति से प्राप्त जो आनंद है, वो एक गाय के बछड़े के चरण चिन्ह में जितना पानी समाता है उसके समान है। और उससे अगर भक्ति प्रेम की, भगवत प्रेम की तुलना की जाए, जो आनंद भगवान की सेवा में प्राप्त होता है भक्त को, वो एक विशाल समुद्र की तरह है। वो कहते हैं, गोपाल चक्रवर्ती कहते हैं, नामाभास से अगर मुक्ति नहीं प्राप्त होती है तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा, ये निश्चय करता हूं। अगर तुम बोलते हो कि नामाभास से मुक्ति होती है, लेकिन परंतु अगर ये चीज सही नहीं है तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नामाभास से ही अगर मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो मैं ही मेरा नाक काट दूंगा। तो सब लोग बड़ा ही, उस सभा के सब लोग बड़े ही त्रस्त हो गए। उनको लगा हरिदास ठाकुर जी का यहाँ पर अवमान हुआ है, और ये गोपाल चक्रवर्ती अपने आप को बड़ा ही विद्वान समझता है, लेकिन ये बड़ा ही मूर्ख आदमी है। गोवर्धन मजुमदार उस विप्र का बड़ा धिक्कार करते हैं, उसको निकाल देते हैं उसके पद से। बलराम आचार्य जो है बलाई पुरोहित, उसका भर्त्सना करते हैं गोपाल चक्रवर्ती का। वो बोलते हैं, घटपाटिया मूर्ख तुई भक्ति कहा जान, तू तो एक तार्किक आदमी है, तर्क करता है तू, तुझे भक्ति के बारे में क्या समझेगा। हरिदास ठाकुर का तुमने अपमान किया है, सर्वनाश होगा तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा इससे। और ये सब प्रसंग देख के हरिदास ठाकुर चले जाते हैं। उनके मन में कोई मालिन्य नहीं है गोपाल चक्रवर्ती के लिए। मजूमदार उस विप्र का त्याग करते हैं और हरिदास ठाकुर के चरणों में निवेदन करते हैं, सब उनका चरण पकड़ के, और हरिदास बहुत मधुर वचन से हंसकर कहते हैं, आप सबका दोष नहीं है इसमें, ये तो अज्ञानी ब्राह्मण है और इसका भी दोष नहीं है क्योंकि इसको तर्क करने का आदत लग गया है, तो इसका क्या दोष है इसमें, उसे जो आदत है उसी के अनुसार वो बातें समझने का प्रयत्न करता है। परंतु नाम महात्म्य जो है, भगवान नाम के उच्चारण का महात्म्य है, ये तर्क के द्वारा कोई समझ नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, खाली भगवान नाम के उच्चारण से विष्णुदूत आ गए और अजामिल का मुक्ति हो गया, वैकुंठ प्राप्ति हो गया उसको, तो ये कैसे समझे व्यक्ति। यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि तर्केर गोचर नहे नामेर महत्व कोठा हैते जानिबे एई से एई सब तत्व। तो ये आदमी जो है गोपाल चक्रवर्ती, इसको कैसे समझेगा भगवान नाम के उच्चारण का महत्व। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप घर जाइए, कृष्ण आप सबका कुशल मंगल करे, मेरे लिए आप दुख मत करिए। तभी हिरण्य और सब लोग घर पे चले जाते हैं और जो ब्राह्मण है वो भी अपने घर चला जाता है। और वो ब्राह्मण ने बोला था कि 3 दिन में मैं हरिदास ठाकुर का नाक काट दूंगा, तो उसी ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो जाता है, उसका नाक जो बड़ा ही ऊंचा नाक था वो कट जाता है, उसके हाथ के जो उंगलियां थी चंपा फूल की कलियों की तरह थी, चंपक फूल के कलियों की तरह, वो सब पिघल जाती है कुष्ठ रोग के कारण और उसे बड़ा ही दुख प्राप्त होता है। तो इस कथा से हम देखते हैं कि भगवान नाम की अगर महिमा हमें समझनी है तो अपने तार्किक बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। कितना भी तर्क लड़ाए हम, कितना भी अपने उपजाऊ मस्तिष्क का इस्तेमाल करें, लेकिन हम भगवान नाम की महिमा का जो महात्म्य है वो बड़ा ही अगाध है और वो हम अपनी संकुचित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो कथा बताई गई है इसका आशय है कि हम अपने जीवन में भगवान नाम उच्चारण, नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दे और आजीवन ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, कीर्तन और भगवान की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कटिबद्ध रहे। और इसमें जो भी कोई बाधाएं आए उसको अनदेखा करके अपना जो प्रमुख क्रिया है भगवत धाम वापिस जाने के लिए हमें ये जो सुवर्ण संधि प्राप्त हुई है उसका सही सही उपयोग करें। तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ हम आज की कथा को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।